नमस्कार दर्शकों, आज हम यहाँ पे डॉक्टर विक्रम सर के प्लैनेट आयुर्वेदा के पुणे कैंप में हैं। आज हमारे साथ एक यूसी के पेशेंट है जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे, उनको किस तरीके से आयुर्वेदिक दवाइयों से फ़ायदा मिला है। तो बताइए सर, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से आपका इलाज हुआ, किस तरीके से आपकी ट्रीटमेंट हुई, क्या क्या आपको सिम्टम्स आए और क्या क्या तकलीफें आपने झेली और अभी किस तरीके से उसका सर ने उपचार किया। मेरा नाम मुकेश निकम है, मैं पुणे महाराष्ट्र में हूँ और मेरे को 2017 में पहली बार स्कोपी किया मैंने, तब अल्सरेटिव कोलाइटिस का डिटेक्टिव हुआ। तो उसके बाद मैंने 4-5 साल तक लगभग सब मेडिसिन खाया गैस्ट्रो वाले क्लिनिक में। तो वहाँ पे मेरे को एजरॉन और मेसाकोल ओडी 1.2 mg का मैं लगभग दिन में सुबह 2 और शाम को 2 ऐसा फर्स्ट डोज स्ट्रांग डोज में खाता था, बाद में वो एक एक दिया, लेकिन मेरे को खाली गोली जितना खाता था उतना ही इफेक्ट पड़ता था। वो गोली मैं लगभग 4 साल कंटिन्यू खाया, लेकिन मेरे को ऐसा स्ट्रांगली इफेक्ट नहीं होता था कुछ। गोली खाता था उतना ही फर्क गिरता था, बाद में थोड़ा बहुत भी गोली एक आध महीना बंद हो गया तो फिर से वैसा ही होता था। तो दिन में मेरे को 6-7 बार 8 बार लैट्रिन को जाना पड़ता था और ब्लडिंग भी होता था। तो ऐसे ही मैं मेरे फ्रेंड को बताया, तो मेरे फ्रेंड के किसी कलीग को भी यही इशू था, तो वो प्लैनेट का मेडिसिन वो लेते थे। फिर उनसे मेरा बात हुआ एक बार फ़ोन पे, तो उन्होंने मेरे को बताया प्लैनेट आयुर्वेदा के बारे में। फिर मैंने यूट्यूब पे उनका वीडियो देखा, तो वीडियो देखने के बाद मैं उनको बोला कि उनसे कैसा कंसल्ट लेना है वगैरह। तो बाय लकीली मेरे ऐसा हुआ कि वही मंथ में, दिसंबर के मंथ में सर का कैंप इधर पुणे में ही लग गया, दिसंबर 22 में। तो पहली बार मैं सर को पुणे में ही मिला, फिर वहाँ से मैंने मेडिसिन चालू किया, तो एक महीने में मेरा ब्लडिंग वगैरह पूरा बंद हो गया। अच्छा। हाँ, तो कुटस घनौती प्रवाल पंचामृत, उसके बाद नॉरिश, वो वीकनेस भी आता था तो उन्होंने नॉरिश का पाउडर मेरे को दिया था, तो उससे मेरे को बहुत रिलीफ मिला। फिर क्या सिम्टम्स आपके आते थे पहले, दवाई लेने से पहले क्या क्या थे? दवाई लेने से पहले मेरे को दिन में 7-8 बार टॉयलेट को जाना पड़ता था, खाने के बाद तुरंत जाना पड़ता था और पेट में ऐसा भरा भरा हुआ लगता था, पेट ऐसा एम्प्टी होता नहीं था पूरा, और खाना भी ठीक से जाता नहीं था। ओके। हाँ, तो फिर ये मेडिसिन खाने के बाद थोड़ा थोड़ा रिलीफ मेरे को आते गया। फिर वो मैं अभी लगभग 2 महीने से ये प्लैनेट का भी मेडिसिन पूरा बंद कर दिया, 2023 का पूरा साल मैंने प्लैनेट का मेडिसिन खाया है। अभी दिसंबर और जनवरी ये 2 महीने में मैंने प्लैनेट का भी मेडिसिन पूरा बंद कर दिया है, तो मेरे को अभी पूरा रिलीफ हो गया। ओके। तो ये जो आपने जो मेडिसिन ट्रीटमेंट जो चालू की डॉक्टर साहब से, तो फिर डॉक्टर साहब ने कुछ परहेज करने भी बोला था आपको? हाँ, उन्होंने परहेज करने को बोला था। ज़्यादा परहेज तो पूरा मैंने ये किया है, परहेज की वजह से ही मेरे को रिलीफ भी मिला है। क्या परहेज किया आपने, कुछ बता सकते हैं? हाँ, परहेज बोले तो पूरा बाहर का खाना आउटलेट वगैरह पूरा मैंने बंद कर दिया, और जो बाहर का तला हुआ वो था कुछ भी नहीं खाता था मैं, मसाला वगैरह सब बंद कर दिया। जो डॉक्टर जी ने बोला था दाल खिचड़ी वगैरह वही ज़्यादा खाता था और सब्जी, और मैंने एक नियमित रूप से पेटे का जूस और पोमोग्रेनेट का जूस वो कंटिन्यू 5-6 महीने लिया, इसके वजह से मेरे को भी बहुत रिलीफ मिला। अच्छा, तो अभी आपका पूरा क्योर है? अभी पूरा 90% क्योर है, अभी मेरे को ऐसा मेजर तकलीफ कोई नहीं। मैं अभी दिन में खाली 2 बार जाता है, शाम में 1 बार और सुबह 1 बार। ओके। तो अभी तक आपकी जो मेडिसिन चल रही थी वो पूरी तरह से बंद है या अभी भी कुछ चालू रखी है डॉक्टर साहब ने? नहीं, अभी डॉक्टर साहब ने बोला नॉर्मल एक गैस का एक उनने चूर्ण दिया है, वो बस इतना ही ले लो बोले। अभी मैं फिलहाल अभी पुणे में डॉक्टर साहब का कैंप लगा था, तो उनको मिलने के लिए थैंक्स करने के लिए आए एक्चुअली, तो उन्होंने बोला उतना ही नॉर्मल है तो आप सब बंद कर दो, खाली वो गैस के इश्यू है तो चूर्ण ले लो। ओके। तो मैं डॉक्टर साहब को थैंक्स करने के लिए इधर आया था। अच्छा, तो अभी जैसे कि आप पूरे क्योर हो चुके हैं, तो डॉक्टर साहब ने आपको कुछ डाइट के बारे में भी बताया किस तरीके से और आगे चालू रखना है या
नॉर्मल आप इस पे चीज़ों पे आ सकते हैं, ऐसा कुछ हाँ बताया नहीं, डॉक्टर डॉक्टर ने? सर ने बोला कि नॉर्मल आपको जैसा जैसा आपकी बॉडी को सूट कर रहा है तो वैसे ही हिसाब से आप अपना डाइट कंटिन्यू करो और कुछ कुछ चीज़ें खाने के लिए चालू कर लो, बोल रहे तो अभी आपके सारे सिम्टम्स बंद हो क्लियर चुके हैं क्लियर है। और आपका पूरी राहत मिल चुकी है। मेरे को पहले इतना बोले तो ये होता था ना कि बहुत मैं परेशान रहता था दिन भर, जी मेरे जी को जॉब को जाने को भी नहीं होता था मन। तो अभी मेरा जो वीकनेस पना था और वो जो क्या बोलते उसको निराश रहता था मैं पूरा, तो वो मेरा अभी पूरा क्लियर हो गया। अभी मैं बहुत खुश रहता है और मेरा जॉब भी अभी कंटिन्यू अच्छे से चालू है, जी बहुत मतलब जो मेरे एक कॉन्फिडेंस हाँ आना कॉन्फिडेंस चाहिए आ वो अभी गया, आपका फिर से पूर्ववत हो गया पूर्ववत हो है। गया। ओके, बहुत अच्छी बात है। आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मैं हमारे दर्शकों चैनल को के थ्रू? मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आयुर्वेदा में जाइए, आपको 100% रिलीफ मिलेगा। खाली परहेज का आप ध्यान रखिए और आयुर्वेदा का गोली खा के आपको 100% रिलीफ मिलेगा, आप आयुर्वेदा में जाना चाहिए, ऐसा मैं दर्शकों को मैसेज देना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी आपका। आपने हमारे दर्शकों को जो गाइडेंस दिया है उसके लिए हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते और मैं हैं। डॉक्टर जी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि उनके वजह से मेरा पूरा क्लियर हो गया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। ओके थैंक यू सर। अब घर बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशंस करें टॉप एमडी आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट के साथ, इंडिया का बेस्ट ऑनलाइन आयुर्वेदिक क्लिनिक, और पाए सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की होम डिलीवरी वर्ल्ड वाइड। प्रॉब्लम कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com।